अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो हम सब भी आपके दुआओं से ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज इशाल के स्कूल में था, क्या था? क्या था? स्प्रिंग फेस्टिवल था? नहीं। फिर क्या था जी? स्प्रिंग फेस्टिवल था जिसे इशाल प्ले कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे और भाई के हो रहे हैं अभी एग्ज़ाम्स, तो आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। तो ना पार्टी थी हमारी क्लास में, तो मैंने क्या किया, पार्टी थी, मेरा रोज़ा था। मैं अभी तक के सारे रोज़े रखे माशाल्लाह से, मेरा रोज़ा था। मैंने ना रोज़ा, मैंने अपना रोज़ा तोड़ दिया। छोटी बच्ची हो क्या? उसने रोज़ा तोड़ दिया ने। रोज़ा तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया। क्यों रोज़ा क्यों तोड़ा? भूख लग रही थी। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, रोज़ा तोड़ दिया इसने। मजाक प्रैंक। मैं कभी तोड़ सकती हूँ रोज़ा? मैंने भूख लगे ना तो आप सब कुछ। मैंने आज तक कभी भी रोज़ा नहीं तोड़ा। पार्टी चल झूठा। मैं नीचे चली गई थी, सारे बच्चे मुझे चढ़ा रहे थे, खा लो चढ़ा रहे थे, कहते कोक पी लो, क्लास में थी ना, मैं कहते कोक पी लो, फ्राइज खा लो, मेरा रोज़ा था सिर्फ। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं नीचे चली गई कि मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा, मैंने आज तक कभी रोज़ा नहीं तोड़ा। आपको मेरे पे प्राउड होना चाहिए। मेरी लास्ट डे था, दुख भी हो रहा है, मैंने पार्टी भी नहीं की। लास्ट एग्जाम की पार्टी भी थी ना, ना करो क्या, ना करो क्या, ना करो, तो पार्टी भी नहीं मैंने की, क्या करूँगा। मम्मा से पूछती हूँ, ट्यूशन से छुट्टी कर लूँ, लास्ट ही तो था। अब आगे होमवर्क भी नहीं मिला। मम्मा से कहती हूँ, मम्मा जी मम्मा जी, वो मैं ट्यूशन से छुट्टी कर लूँ? नहीं नमाज पढ़ो ना, ये मम्मा रहूँगी, छुट्टी का नाम भी लिया तो। ये देख रही हो ना किड्स? हाँ जी देख रही हूँ, ये देख रही हूँ। देख रही हो छुट्टी करनी है? मैं पार्टी भी नहीं की थी, मेरा रोजा था। मिट्टू से पूछो, मिट्टू छुट्टी करा दे बाज को। नो नो, ये तो मेरी सीधी सादी दुश्मन है मेरी बहन। भाई से पूछते हैं, भाई छुट्टी करा दे। हाँ मेरी बात में आ चुका हुआ है, चलो चलो जाओ कर ले छुट्टी, चलो कर लो छुट्टी। मैं अफ्तारी में इतनी मदद करूंगी, रोल बनवाऊंगी, सारा कुछ मैं ही बना दूंगी। हाथी चलाऊंगी। चलो पहले नमाज तो पढ़ो ना जोहर की। दाल बन गई है, बहुत मजे की दाल। जी जी जरूर, दाल बन गई हमारी। A few moments later. जी इधर ही ना चैलेंज किया गया कि टाइम देखें पीछे 5:25 है। और चैलेंज ये है कि हमने ना इफ्तारी तक जो है ना बिरयानी बनानी है। और बिरयानी का जो सामान है ना वो हमने कहाँ तक काटा हुआ है। अब्दुल सलाम है ना जो वो मेरी हेल्प कर रहा है इधर, वो यहाँ पर जो है ना ये देखें प्याज, बस प्याज काटे गए हैं अभी, और चावलों का पानी रखा गया है। तो चले फिर देखते हैं हम बना पाते हैं कि नहीं। तो एक कुकर चढ़ चुका है, कुकर चढ़ चुका है, किधर चढ़ चुका है? चूल्हे पे, ठीक है, चढ़ चुका है। और यहाँ पे मम्मा फुल स्किल्ड वर्कर बनी हुई है। नहीं, मैं नहीं मानता। फुल जल्दी जल्दी टमाटर काट के अंदर डाल रही हैं। फटाफट और वहाँ पे चावल मम्मा ने, ऑरेंज ने भी ना उतना ही शोर साथ डाला हुआ है। और यहाँ पे चावलों का पानी भी उबलने के लिए रख दिया हुआ है। चावल भिगो दिए हमने, कड़ी पत्ता आलू बुखारा शहरा सारा कुछ हम डाल देंगे। इधर मिस्टर बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। हाँ जी क्यों कर रहे हो शोर इतना, क्या मसला है आपको, क्या मसला है? मैंगो आप स्टिक पे जाके बैठ गए हो ना, ओए गुस्सा आपको क्या है? हाँ चलो बाय, अब शोर मत करना ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मम्मा बना रही है, टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। और यहाँ पे मम्मा स्पाइसेस डाल रही हैं, और अंधाधुंध हम मसाले डाले। हमें नहीं पता कितनी डाली है, कितनी डाली वो मुझे पता है, ज्यादा नहीं होंगे, मजे की ही बनेगी। अब इसके अंदर चिकन साथ ही डाल देते हैं। चावलों के पानी को भी उबाल आ गया। अब हम पाँच से मैं नमक डालता हूँ जल्दी से। इधर करो नमक डाले 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 डाले
दो। अब ना चिकन जा रहा है, बाय बाय चिकन। तो अब हम इसको लगवाते हैं सूट सूट करके सीटी जल्दी जल्दी बन रही है ना। ये मेरी कल की फरमाइश थी, मम्मा ने उसको पोस्टपोन करके आज कर दिया। आज भी नहीं बननी थी, मम्मा ने मेरे जो फेस को देख के ना रिएक्शन को, मम्मा ने कहा चलो बिट्टू आपको बना ही देती हूँ। मैंगो ऑरेंज को चुप करवाओ, आप बहुत शोर कर रहे हैं। मैंगो ऑरेंज प्लीज चुप हो जाओ। अब मम्मा इसको सीटी लगवा। आज की सारी रेसिपी अब्दुल्ला आपको बताएगा कि आज हो क्या रहा है। इधर टाइम इधर देख सकते हैं, जल्दी से मम्मा को बनाना पड़ेगा क्योंकि 5:35 हो गया है। यहाँ पे साल खेल रही है डॉस के साथ और मैंगो आज ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, शोर ही शोर कर रहे हैं, शोर ही शोर। वहाँ पे फ्रूट चाट हमारे आने तक बना दी हुई, जिसके अंदर मम्मा ने खजूर डालती है ना, तो जब उसका जायका आता है ना बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे मम्मा अब दही फुलकियाँ बना रही है। बस जल्दी जल्दी दही फुलकियाँ बन जाए, नहीं दो मिनट में पकौड़े नहीं बनाऊंगी आज। आज पकौड़े ना बनाइएगा, बिरयानी जो बन रही है देखिए ना सीटियाँ मारना शुरू कर दी है इसने भी। ये अब डाल गई जी फुलकियों के अंदर। अब मैंने डाला यहाँ पर प्याज टमाटर खीरे और चने, मैंने जो कि पहले ही बॉयल करके रखे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आप ज़िपलॉक बैग में ही इसे फ्रीज कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्रेड के शॉपर में इन्हें फ्रीज किया हुआ, वो सुबह सुबह मैंने निकाल देती हूँ और इस टाइम तक ये खुल भी गए होते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा। चाट अंकल चाट, अंकल चाट डालेंगे इसके अंदर, फंस गए हैं। और होममेड योगर्ट है इधर जो हम घर पे जमाती हैं, जो कि हमारा दही घर का ही होता है। इसे कर लेंगे अब हम मिक्स। माशाल्लाह ये देखें ज़रा, इस्तेमाल करने से पहले मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे मलाई नहीं खाते फिर इसकी, तो इस तरह से है ना जो मिक्स होने पे खा भी लेते हैं। देखिए पानी हमारा पागल हो गया, वो आपके हाथ से स्टीम पड़ जाएगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, स्टीम पड़ जाएगी। अब चावल डालते हैं इसके अंदर। टाइम हो गया वैसे, टाइम 5:48 हो गया जी। A few inches later, जस्ट बाहर गया हूँ, मम्मा ने इधर काम टन कर दिया, चावल बन गए। और इसका मसाला भी हो, मसाला चिकन भी बन गया। ये चावल है, चावल भी बन गए, देखें कितने खिले खिले चावल है माशाल्लाह। ये क्या मम्मा, वो कलर ना, कलर इसका मैंने किया है येलो कलर जो बिरयानी में डालना है। और ये बिरयानी मसाला और दही। टाइम आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, 6:10 हो रहे हैं और रोज़ा खुलता है 6:25 पे। अच्छा, और ये अभी भी इधर खेल रही है। इधर अभी हम बर्तन रखता हूँ, मैं रखता हूँ अभी इसको नीचे, इसकी जगह नीचे होती है, इसको साइड में करता हूँ, इसको अंदर लेके जाता हूँ। ये देखें मम्मा जी बना रही है तह वाली बिरयानी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। प्रीजा वापस आ गई है, मुबारक हो। After very long time, प्रीजा is here in the kitchen. मुझे रोजा लगता है इसलिए मैं आती नहीं। मैं जब आपको बताती हूँ ना, मेरी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ ना, इसलिए ना मैं किचन में रोजों में कम ही आती हूँ, फेस वगैरह ज्यादा डालना। खेल खेल के वही कौन खेलता, कोई भी नहीं भाई खेलता है। मैं खेलती ही नहीं, बस फेस बहुत डल हो जाता ना, तो पता फिर आप लोगों को पता है अभी ईद भी आ रही है तो फिर ब्यूटीफुल भी तो दिखना होता ना। जी जी ये देखे जी, सारी ग्रेवी जा रही है चावलों के ऊपर, में पानी आ रहा है। बस हो गया हमारा काम भी। पुदीना लाओ, पुदीना ऊपर डालें, दही वगैरह। चलें इसकी फिनिशिंग करके मिलते हैं। ये देखे जी कितनी टेम्पटिंग लग रही है बिरयानी, कंप्लीट हो ही गई है ना, बस दम रह गया बस जी। ये देखें, और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, चलिए टाइम क्या हुआ इस वक्त। टाइम देखें जी, पूरा टाइम है, अभी भी 5 मिनट है इफ्तारी में, और हमारा जो टेबल है वो भी सज चुका है। और ये आई थी आज हमें नेबर्स की तरफ से इफ्तारी, ये भी हम खाएंगे। और मिट्टू हमारा अभी तक खेल रहा है इधर, बाबा जानी को भी बुला लो जी। तो आज ऐसे ही पतीला ही आ गया, आज कोई डिश आउट शिश आउट नहीं, आज बिरयानी पतीले में ही। मैंने देख लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। हाय 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 माशाल्लाह, चलो दुआ मांगना शुरू करो, दुआ मांगो जी। पूरे टाइम पे हमारी बिरयानी है ना जो वो बन चुकी है,
आज आप भी खा लें मज़ेदार बिरयानी। पहले हम खा लें फिर उनको भी हम किसी और दिन दावत देंगे वरना फिर मैं कैसे खाऊंगा। तो जी ये जो बिरयानी टाइम पे बन गई इसका क्रेडिट सारा मुझे ही नहीं जाता, इसका क्रेडिट मेरे साथ साथ अब्दुलसलाम को भी जाता है क्योंकि अब्दुलसलाम ने मेरे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हेल्प करवाई। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब्दुलसलाम मेरे साथ किचन में इतने मज़े से और कितने कह लें कि आपने भी देखा ही है कितने मज़े से वो मेरे साथ काम करवा रहा था और ऐसे था कि जैसे उसको सब कुछ पता है माशाल्लाह से। ओके जिसी के साथ ही आज का व्लॉग है जो करते हैं पढ़ते हैं, मैं श्योर आपको पसंद आया, अगर पसंद है से लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जल्ला हाफिज़।